हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सीएचओ को परमानेंट होने से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर के हैं। क्या सीएचओ परमानेंट होंगे, और अगर होंगे तो किस तरह से होंगे, कब से होंगे, क्या सारी जो नई भर्ती है वो परमानेंट सीएचओ के रूप में निकाली जाएगी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में ही रहेगी। तो वीडियो में आने वाले पार्ट में हम इस बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, कहीं नहीं जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। ऐसा आइकन होगा एक, उसको ऑल पर प्रेस करना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लेटर है, आप देख सकते हैं, रोली सिंह IAS, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर NHM, और भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। डियर कलीग, एज यू आर अवेयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अ मेजर स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर विद द कंसर्न एंड द कोलेबरेटिव एफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। वी हैव बीन एबल टू ऑपरेशनलाइज 1,20,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि 1,20,000 जो है आज की तारीख में जो है लगभग 112, यानी कि 1,20,000 ऑपरेशनलाइज है सब सेंटर। द अवेलेबिलिटी ऑफ CHOs एट सब सेंटर एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, ब्रिजिंग द गैप अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड रिमोट पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, जो रिमोट पार्ट है कंट्री के, मतलब जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते, उनकी डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी का गैप है, यानी कि जो दूरी है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का, उसको दूर करने के लिए जो है CHOs बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। एज जुलाई 2022 अ टोटल 94,304, यानी कि 94,308 जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्किंग है एंड डिलीवरिंग कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में 94,000 जो है 200 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आर वर्किंग। मेनी स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू मेक द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट SHC एंड SWC एंड एंट्री लेवल रेगुलर पोस्ट इन द नर्सिंग कैडर। यानी कि बहुत सारे जो स्टेट हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो CHO की पोस्ट है उसको रेगुलर लेवल की पोस्ट, यानी कि परमानेंट पोस्ट जो है उसको बनाया जाए। वेर इन अ नर्स ज्वाइनिंग द हेल्थ केयर सिस्टम हैज सर्विंग एज CHO फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर मूविंग अप द PHC, क्योंकि ऑलरेडी PHC, CHO और DH पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वहाँ पर पहले से एक समय, फिक्स समय के लिए ज्वाइन करते हैं। ट्रीटेड CHO पोस्टिंग एज अ फर्स्ट स्टेप इन द करियर ऑफ नर्सिंग कैडर। तो फर्स्ट स्टेप है एक नर्सिंग कैडर के करियर में। इट इज सजेस्टेड टू द ऑल स्टेट्स दैट मे कंसिडर टू क्रिएट सच अ रेगुलर पोस्ट। ये कंसिडर किया जाता है कि जो जितने भी सारे स्टेट हैं वो रेगुलर पोस्ट जो है CHOs के लिए नर्सिंग कैडर के अंदर क्रिएट करें। एनी टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन द गवर्नमेंट इंडिया शुड बी एक्सटेंडेड फॉर द सेम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें हेल्प करेगी और जो है CHO को जो है परमानेंट कैडर जो है बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये सारे CHO के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि CHOs को जो है परमानेंट जो मिल जाएगा। वैसे जो है अगर पुराने अपन नोटिफिकेशन देखें तो 6 ईयर के अंदर परमानेंट करने का जो है वो है गवर्नमेंट का प्लान, लेकिन और जल्दी परमानेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।